नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो है समसामयिक घटना चक्र की नवीनतम पुस्तक करंट क्विज टू द पॉइंट अप्रोच के साथ। दोस्तों, वैसे तो ये हर महीने प्रकाशित होती है लेकिन इस बार इन्होंने ये वार्षिक संकलन निकाला है, इसलिए मैं इसका रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ कि आप एक बार में पूरे साल का करंट क्विज दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया हुआ है करंट के, और इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है, मैं कितना तैयार हूँ आने वाले UPPCS के एग्ज़ाम के लिए, IAS के एग्ज़ाम के लिए, UPSI के एग्ज़ाम के लिए या अन्य दूसरे एग्ज़ाम जो अभी 2-3 महीने के अंदर होने वाले हैं। दोस्तों, देख लेते हैं क्या दे रहे हैं ये। सबसे पहले तो दोस्तों इसका जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इस बुक को हम क्यों पढ़ें, क्या इसका उद्देश्य है, ये हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है। तो इसका समारंभ को पढ़ते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था इत्यादि विषयगत अध्ययन नहीं है कि एक बार रट लिया जाए तो ताउम्र काम चलता रहेगा। नित और निरंतर नई बातों का अध्ययन करंट अफेयर्स है। नई नई बातों के रहने के कारण यह जानना जरूरी है कि ये बातें हमें याद भी हैं या नहीं। करंट अफेयर्स के संबंध में अपनी स्मरण शक्ति को जांचने के लिए ही हम प्रत्येक माह करंट क्विज का प्रकाशन कर रहे हैं। क्विज के माध्यम से परीक्षार्थी स्वमूल्यांकन घटना चक्र का ऐप डाउनलोड करके टेस्ट देकर भी कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल टू द पॉइंट अप्रोच के साथ किया गया है। इससे प्रत्येक प्रश्न पर आधारित अनेक तथ्य आत्मसात करने में सहायता प्राप्त होती है। इस अंक में करंट क्विज का वार्षिक संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, देखें इसकी कवरेज क्या है, अध्याय कौन कौन से इन्होंने कवर किए हैं। तो करंट अफेयर्स में दिया है, सबसे पहले टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल, दूसरा है राष्ट्रीय परिदृश्य, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, चौथा आर्थिक परिदृश्य, पाँचवा विज्ञान पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य, संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य। दोस्तों, इस तरह से इन्होंने ये पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन निकाला है। और इसका प्रेजेंटेशन जिस तरह का है, दोस्तों देखें, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चार कथन दिए हैं, फिर उसके चार वस्तुनिष्ठ दिए हैं और उसके बाद एक राइट आंसर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये जो दिया है, ये एक्सप्लेनेशन टाइप का जो दिया है, एक ये व्याख्या दी है। इससे क्या होता है कि इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट और भी बन सकते हैं, क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, तो अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखें कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इसी तरह की है। ये अपने समारंभ में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर आप प्रत्येक प्रश्न के व्याख्यात्मक हल को टू द पॉइंट अप्रोच के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है, और प्रत्येक प्रश्न ये देखें ये दिया है, इससे प्रत्येक प्रश्न पर आधारित अनेक तथ्य आत्मसात करने में सहायता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इससे जुड़े जितने भी तथ्य हैं आप इनको तैयार कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन घूम फिर के आ सकते हैं वो सब आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में परिवर्तन कर इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है, वह शब्द है, ये चार शब्द दिए हैं, एक राइट आंसर दिया है, टुगेदर राइट आंसर है जैसे। तो इसके साथ फिर उन्होंने इसका ये जो साथ में ये दिया है ये डिटेल करके, इससे आपके और भी कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन में एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो इसमें फैक्ट दिए हैं ये, उससे आपको उससे संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है, और आप उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे टोक्यो 2020 से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, उनको आप हल कर सकते हैं आराम से, और पूरा टोक्यो ओलंपिक आपका तैयार हो जाता है। ये देखें, ये इसी तरह का ये क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये उससे संबंधित पूरे फैक्ट दिए हैं, ये टोक्यो 2020 में दिए गए पदक, प्रमुख टीम स्पर्धाओं के विजेता, ये जितने क्वेश्चन हैं उतने ही नए टॉपिक हैं ये दोस्तों। इसी तरह से देखते हैं, ये राष्ट्रीय परिदृश्य का सेक्शन आ गया है। 1 जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा अपने 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये दोस्तों चार इसके अल्टरनेट दिए हैं, एक राइट आंसर है, धौलावीरा। तो इससे संबंधित देखें, अब ये इन्होंने कई फैक्ट दिए हैं इससे संबंधित। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल शामिल करने की तिथि
शामिल विश्व धरोहर स्थल, धौलावीरा की अवस्थिति, धौलावीरा पुरातत्विक स्थल की खोज, धौलावीरा का पहली बार उत्खनन, गुजरात राज्य के अन्य विश्व धरोहर स्थल, भारत की कुल 40 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल। तो इससे संबंधित इतने फैक्ट दिए हैं। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखें तो ये बुक बहुत ही बढ़िया है और ये पतली बुक है, कोई मोटी बुक नहीं है। आप इसको आराम से तैयार भी कर सकते हैं और ये सारे फैक्ट आपको तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप देखें तो ये आप देखें बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है और आप ये आराम से कर सकते हैं इसको। अब ये तीसरा सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किसने पाँचवीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चार ऑप्शन दिए हैं और एक राइट आंसर ए। अब ये देखें नेपाल के नए नवनियुक्त प्रधानमंत्री, तो ये इससे संबंधित फैक्ट ये दिए हैं ये। तो ये आपको इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आप देखते जाएं, नाटो शिखर सम्मेलन, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलवायु बांध निर्माणाधीन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, मुक्त आकाश शक्ति, इससे संबंधित फैक्ट भी दिए हैं। दोस्तों आप देखें तो ये बहुत बढ़िया बुक है। इस हिसाब से मैं और भी आपको आर्थिक परिदृश्य में देखें, दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 2021 में GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई। भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? चार राज्य दिए हैं, राइट आंसर है गुजरात। तो भालिया गेहूं का निर्यात और इससे भालिया गेहूं से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो सारे यहाँ पे एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से हल कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों इसी तरह से ये क्वेश्चन, चार ऑप्शन, एक राइट आंसर और उससे संबंधित फैक्ट। तो दोस्तों अगर इसकी मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य है दोस्तों 120 रुपये, 120। तो दोस्तों और इसके अगर हम बात करें कि कितने पेज हैं तो ये 160 पेज इसका लास्ट है, 160 पेज की बुक है। आप आराम से तैयार कर सकते हैं आने वाले IAS एग्ज़ाम के लिए, UPPCS एग्ज़ाम के लिए या अदर स्टेट के PCS एग्ज़ाम्स के लिए, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, RO AR के लिए या दूसरे और एग्ज़ाम जितने भी होते हैं आपके वनडे एग्ज़ाम, उन सब के लिए आप इसको तैयार करके अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, रिव्यू करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।